हेलो दोस्तों, अक्सर आपने गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। हमें ज्यादातर समाज में यह सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये डर बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती है। लेकिन मित्रों, मेरी माने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिससे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन नॉलेज में। तो चलिए जानते हैं बिना समय गवाए। गरुड़ पुराण पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है। पवित्रता और शुद्ध मन के साथ गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, उन्हीं में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें कुल 18,000 श्लोक और 271 अध्याय है। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है।